निकले नो जाओ पर निकले जो तो परी हर किसी की एक गैंग होती है कॉलेज में, मेरे भी थे। हम सब ने भी वादे किए थे कि कॉलेज खत्म होने के बाद हर संडे मिलेंगे और जो लोग परदेश जा रहे हैं उनसे वीडियो कॉल पे मिल लेंगे। ये सब फिल्मी बातों पे हमें तब यकीन था क्योंकि हम तब बच्चे थे। जिंदगी के कुछ साल इतने खास होते हैं कि पूरी जिंदगी याद रहते हैं। वो एक बंदा जो पहले दिन मुझे आकर बोलता है कि उस बंदी को तो एक महीने में पटा लूंगा, एंड आई एम लाइक एक बंदा जो कॉलेज में आकर भी अपनी ट्वेल्थ वाली क्रश को लव लेटर लिखता है। एक बंदे को देखकर लगता है कि ये दसवीं वाला बच्चा कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। एक ऐसा बंदा भी होगा जो नोट्स बनाता होगा और उसी नोट्स के जरिए आपने सारी एग्ज़ाम्स पास की हो, और एक कमीना ऐसा भी होगा जिस पर सारी लड़कियां लाइन मारते हो। कुछ ऐसे नमूने भी मिले होंगे जो आपको चार साल में सिर्फ चार बार देखने मिले हो। कॉलेज की लाइफ तो असाइनमेंट्स, अटेंडेंस और हॉस्टल की नींद में निकल गई। ये चार सालों का सफ़र इतनी तेज़ी से ख़त्म हो गया मानो चार दिन ही जिए हो। ज़िंदगी के वो लम्हे बहुत ख़ास होते हैं जो आज भी याद करो तो चेहरे पर हंसी ला देते हैं। बीजू लकी पने ले तो नहीं बा क्या कहने तू कहने बदू ले दो वाह लेकिन वक्त का किसी के लिए ठहरता है, हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब महीने में एक बार वीडियो कॉल आता है और सब अपनी प्रॉब्लम्स बयां करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन मैसेजेस के रिप्लाई वीक्स तक नहीं आते और वीडियो कॉल्स उठाए नहीं जाते। वो एक काम था इसलिए अब फ़ोन कॉल आते हैं, और थोड़ा बिजी हुए यार बाद में तुझे फ़ोन करता हूँ ये कहकर काट दिए जाते हैं। यहाँ किसी की गलती नहीं है, सब अपनी जगह सही है, सबकी अपनी मंजिल है और सबके अपने ड्रीम्स हैं। अब हम नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाती है लेकिन यादें साथ रह जाती हैं। अब हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए सोचते हैं। कोई अपनी फैमिली को संभालता है तो कोई अपने सपनों के पीछे लगा रहता है। कोई नए लोगों के साथ घुल सा जाता है तो कोई अब भी वहीं पर अटका हुआ रहता है। हम सब दूर तो है पर दिल के पास हैं। हसीन लम्हे जो साथ जिए हैं वो भूलना इतना आसान नहीं है। हम एक दूसरे को देख या मिल नहीं पाते पर जब भी बुरा हो तो हम सब एक दूसरे के आसपास हैं। बस इसी तरह और कुछ दिन, महीने और साल बीत जाएंगे और फिर किसी दिन किसी एक वीडियो या किसी एक फ़ोटो को देखकर वो कॉलेज के हसीन दिन याद आएंगे और तब हम सिर्फ एक दूसरे को वीडियो कॉल या फ़ोन कर पाएंगे।